एक छोटे से गांव में ना बहुत ही सिद्ध महात्मा आए हुए थे। तो सारे लोग उनके पास अपनी परेशानियां ले लेके जा रहे थे। तो एक आदमी भी उनके पास अपनी परेशानी लेके गया और उन महात्मा जी से बोला कि हे प्रभु, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे सर पर कर्जा भी है, कृपया मुझ पर कोई उपकार करें। तो उन महात्मा जी ने उस इंसान को एक छोटा सा नीला पत्थर दे दिया और उससे कहा कि तुम इसे बेच कर इससे जो भी मुद्रा आए वो तुम अपने पास ले लेना। तो फिर वो आदमी सबसे पहले एक सब्जी वाले के पास गया। सब्जी वाले ने कहा, ये तो कोई छोटा सा नीला सा पत्थर है, लेकिन ये बहुत अद्भुत लग रहा है, तो मैं इसके 1,000 रुपये दे देता हूँ। तो वो इंसान हताश होकर उस पत्थर को लेकर वहाँ से चला गया। उसके बाद वो एक बर्तन वाले के पास गया। बर्तन वाले ने कहा कि ये बहुत चमकीला पत्थर है, तो मैं इसके तुम्हें 10,000 रुपये दे दूँगा। वो वहाँ से ये सोच कर कि आगे जाके इसकी और भी अच्छी कीमत मिलेगी, वो एक सुनार के पास गया। सुनार ने कहा, ये तो कोई अद्भुत रत्न है, मैं तुम्हें इसके 1,00,000 रुपये दे दूँगा। तो उस इंसान ने सोचा कि अब इसको मैं हीरे के व्यापारी को दिखाता हूँ, वो उसकी अच्छी कीमत देगा। जब वो इंसान हीरे के व्यापारी के पास उस पत्थर को ले गया, तो हीरे के व्यापारी ने कहा कि मैं अपनी पूरे जीवन की पूंजी भी दे दूँ ना, तो भी इस पत्थर की कीमत नहीं दे सकता, ये बहुत अमूल्य पत्थर है। तो इस कहानी से हमें मोटिवेशन ये मिलता है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमारा शरीर जो है वो बहुत अमूल्य है। अगर हम इस शरीर को सही से इस्तेमाल करें, अपने दिमाग को सही से इस्तेमाल करें, तो हम जीवन में बहुत ही आगे जा सकते हैं।